हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इम्तियाज जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। इम्तियाज जी, आखिर क्या वजह हुई कि आपको इस तरह से औरंगाबाद से मुंबई जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ औरंगाबाद से नहीं, आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इकट्ठा हुए हैं। वो हुकूमत को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं हम कि ये राज्य जो है वो कायदे से, कानून से, संविधान से चलेगा। जिस तरीके से जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर गंदी घटिया राजनीति खेली जा रही है, स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालतों से जो उम्मीद थी कि अदालत ने इसके बारे में कोई सख्त रवैया अपनाना चाहिए, वो भी जब खामोश नज़र आ रहे हैं, तो हमें मजबूरन सड़क के ऊपर उतर के हमें कहीं ना कहीं सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं, उन्हें संविधान की एक कॉपी देने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप बताइए आखिर इतना बड़ा हजारों गाड़ियों का काफिला आप अरेंज कैसे कर पाए? कितना समय आपको लगा? किन किन संस्थाओं से आपने बात की? मैंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया था कि अब हम मुंबई की तरफ चलेंगे करके, और उसके बाद कहीं पर मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज आप देखेंगे इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराज़गी है। क्या ये देश, क्या ये राज्य गुंडागर्दी के हिसाब से चलेगा कि कोई कुछ भी कहेगा और हमने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए, पुलिस ने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए? महाराष्ट्र का एक इतिहास रहा है, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति ने इनके ऐसे हाथ बांध रखे हैं कि ये बेचारे भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि गैरकानूनी कुछ हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनके पूरे हाथों को जकड़ के रखा हुआ। देखिए, रामगिरी महाराज का कहना है कि उन्होंने कोई भी गलत बयान नहीं दिया है, अगर आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए। आप इस तरह से सड़क पूरी समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है वो पूरा जाम हो गया है। रामगिरी महाराज आपके लिए हो सकते हैं, ये ऐसे गुंड कहा जाता है हमारे लिए, महाराज नहीं उन्हें कहा जाता है। ऐसे गुंड प्रवृत्ति के लोग भगवा चोला ओढ़कर कैसे धंधे करते हैं ये आपने देखे होंगे। आसाराम बापू के सामने है तो पैरों के ऊपर पड़े रहते थे, लोटांगन करते थे, आज जेल में पड़ा हुआ है। ये भी जो है ये एक घटिया किस्म का आदमी है जिसकी मानसिकता घटिया है, और प्रवचन के दौरान इंसान ने इंसान की हैसियत से कैसा जीना चाहिए करके ये बताया जाता है। तुम्हारा धर्म खराब, तुम जिसको मानते हैं वो खराब, ये सब बातें हैं तो नहीं सुनने के लिए लोग आते हैं करके। तो इसको बुलाया गया है कि तू बोल ऐसा, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का माहौल खराब हो करके, और उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आकर इनके पीठ थपथपाते और कहते हैं कि यांचे केशालाई मैं हाथ लाऊ देनार नहीं, इनके बाल को भी मैं धक्का नहीं लगने दूंगा। सोचिए, जो मानसिकता इसकी है वही मानसिकता सरकार की भी है। आप कह रहे हैं सरकार जो है रामगिरी महाराज का साथ दे रही है, लेकिन दूसरी दलील, खासतौर पर मुख्यमंत्री का एक बयान भी मैं आपको याद दिला दूं, जब उन्होंने कहा था कि इनके बाल को भी जो है हम ठेस पहुंचने नहीं देंगे, ऐसे में क्या इस तरह से इतना बड़ा काफिला लेकर जाना एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति आप? बिल्कुल, सरकार सोने का नाटक कर रही है, हम सरकार को जगाने के लिए और एक संविधान की कॉपी उन्हें गिफ्ट करने के लिए आए हैं कि आपका हमारा देश, हमारा राज्य जो है, महाराष्ट्र की एक संस्कृति हुआ करती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, फुले, शाहू, अंबेडकर, पुरोगामी महाराष्ट्र कहते थे, आज उसी महाराष्ट्र की हालत आपने क्या कर दी है? सिर्फ आपने राजनीतिक घटिया, सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए आप दंगे भड़काना चाहते हैं, आप माहौल खराब करना चाहते हैं, आप हर एक को छोड़ दिए हैं स्टेज के ऊपर कि जाओ गाली दो, जिसको देना है हम तुम्हें हाथ नहीं लगने देंगे, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ाएंगे हम। बिल्कुल, आप कह रहे हैं, देखिए ये आपकी दलील, लेकिन एक और आरोप ये भी आप पर लग रहा है, चूंकि लोकसभा चुनाव में MIM का बड़ा वोट बैंक जो था वो उनके हाथ से छिटक गया और अब विधानसभा चुनाव करीब है, इसीलिए इम्तियाज जलील फिर एक बार अपने वोट बैंक को। आपकी गलत जानकारी है, MIM ने कितने सीटें लड़ी है महाराष्ट्र के अंदर आप ये बताइएगा। उसमें हमने यहाँ पर ये जो लोग जमा हुए हैं ये कोई MIM के पूरे कार्यकर्ता है ऐसा नहीं है। हमने लोगों से कहा था कि तुम किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी तुम्हारी जमात है, तंजीम है, हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे बाहिसियत है मुसलमान तुम आइएगा, वरना जिस तरीके के बयानबाजी चल रही है आज महाराष्ट्र के जो हालात बन रहे हैं उससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, और हमारी है तो राजनीति है तो चलती रहे, हमारी दुकान चलती रहे। आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है महाविकास आघाड़ी, उनके कई नेताओं का कहना है कि आप और बीजेपी मिले जुले हुए हैं चुनाव के ठीक पहले, माहौल खराब करना चाहते हैं। आरोप हमने बहुत पहले भी सुन चुके हैं, उसमें आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है,
एक आवाज़ के ऊपर इतनी पब्लिक अगर आई है तो वो मेरे नाम के ऊपर नहीं आई है, वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के नाम के ऊपर आई है, जिनके बारे में गलत बयानी होने के बावजूद भी लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, लोग उनके नाम पे आए हैं। इम्तियाज़ जलील और एमआईएम के नाम के ऊपर ये लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। एक आरोप ये भी लग रहा है कि इतनी बड़े पैमाने पर जो भीड़ आई है, आपने सभी को इमोशनली अपील की थी कि आप जो है अल्लाह की खातिर जो है अपने पार्टी को डिफरेंसेस को भूल कर यहाँ पर आए, क्या एक आपका सही है? क्योंकि मैंने जब ये ऐलान किया था तो सबसे पहले आलोचना जो है वो करने वाले कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुसलमान थे, वो मुसलमान थे जो आज के दिन उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि मैं तुमसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि एक मर्तबा हम अपने राजनीतिक मतभेद साइड में रखेंगे और बाहिसियत मुसलमान हम आएंगे यहाँ पर सड़क के ऊपर, क्योंकि ये मेरा भी देश है, ये मेरा राज्य है, उसमें मुझे भी गर्व है आज भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से। आप मुझे किस तरीके से, मैं क्या गालियाँ सुनने के लिए आपके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे? हाँ, कोई कायदा कानून नहीं है? जो कानून है तो नारायण राणे के लड़के के खिलाफ के लिए है, वही कानून मेरे लिए है। अगर वो बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ, उससे अच्छा बोल सकता हूँ। लेकिन आप लगातार दलील दे रहे हैं कि आपकी संस्कृति में नहीं है, सिखाया नहीं गया है, इसीलिए आप भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि आज सही मायनों में एमआईएम जो है वो पूरे दलबल के साथ मुंबई पहुंच रही है, और आज तक कभी देखा नहीं गया कि इतने बड़े पैमाने पर इतने संख्या में लोग मुंबई कूच करें हज़ारों गाड़ियों के साथ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली होगी, लेकिन जैसे जैसे ये काफिला बढ़ता गया, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली आपने देखे नहीं होंगे, जो आज मुंबई पहुंचे तक लोग अलग अलग इलाकों से हमें जोड़ने वाले। लेकिन अगर आपको मुंबई तक पहुंचने नहीं दिया गया तब क्या? लिख ले तो सही है, हर रोज़ हमारा संघर्ष का दिन है, हर रोज़ हम लड़ते रहते हैं, आज भी लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, हमारा मकसद जो है पहुंचाने का वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक दलों के झंडे को लाने से आपने क्यों इनकार किया? क्या आपके एक रणनीति का हिस्सा था? बिल्कुल, हमने ये कहा था कि ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, ये हमारे मजहब से, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो इंसानियत का पैगाम दिए है, और आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। 60 FIR रजिस्टर होने के बावजूद भी कोर्ट का काम नहीं था अदालत का कि अदालत ने पुलिस से पूछना कि चार्जशीट कितने उसमें फाइल हुई है, क्या एक्शन लिया गया है करके, उसमें पुलिस खामोश बैठी हुई है, हाथ बांध दिए गए हैं, IPS ऑफिसर डरे हुए हैं कि कहीं पर हमें कोई नक्सलाइट एरिया के अंदर ट्रांसफर कर देगा, तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा, यहाँ पे जो पीछे भीड़ दिखाई दे रही है, इस भीड़ के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ किन किन इलाकों से ये तमाम लोग पहुंचे? महाराष्ट्र के कोने कोने से, छोटे छोटे गाँव से तक लोगों ने, जिनके पास पैसा नहीं था वो लोगों ने है तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके है तो ये गाड़ियां लिए हैं, और गाड़ियां लेकर है तो उन्होंने ये समर्थन आपको आगामी चुनाव में भी दिखाई देगा। मेरा चुनाव से इस मुद्दे का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, आपको साफ तरीके से बताना चाहता हूँ मैं। लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, हमारा संघर्ष, हर रोज हमारा संघर्ष रहता है, आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। एक जाने से पहले आप देखिए, हम लोग काफी हद तक आगे, लेकिन बताया जा रहा है कि बिना इजाजत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको रोका? ऐसी बात नहीं है, मैं पूरे लगातार 3 दिन से पुलिस अधिकारियों के संपर्क में था, मैंने पूरा पत्र व्यवहार किया था DG मैडम के साथ, यहाँ के कमिश्नर के साथ, पूरी इत्तला इन सबको दे दी गई थी, ये पूरे लगातार 2 दिन से मेरे संपर्क में थे, पूरा रूट हमने तय किए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई परमिशन ये वो की। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इम्तियाज़ जलील, जिनका कहना है कि वो इजाज़त के साथ ही प्रयास किया था, इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ये मुंबई तक ज़रूर कूच करेंगे। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया TV, मुंबई।